सेटअप पूरा है कि नहीं, के नीचे भी पिंजरा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर जो है मोबाइल से जो है शूट होता है, ये रहा अपना बोर्ड, यहाँ की क्लास होती है भाई, ठीक है। बुक्स सेल्फ्स के यहाँ पर सब कुछ है भाई, चेयर है, छोटा सा कमरा है, स्टूडियो में घूम रहे हैं, और यहाँ पर सभी काम करते हैं, एडिटिंग होती है यहाँ पर, एक साथ ही साथ जो पढ़ाते भी है, ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, ओके, खाना स्टैंड वगैरह, चलो चलो देख लेते हैं अभी, बाय। जो है कैमरा चेंज कर देते हैं यहाँ से, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप जो बता सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, लाइव चैट हो सकती है, सब अच्छा ऑप्शन है। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, 10th क्लास की क्लास ले, लाइव क्लास, या फिर 11th क्लास की ले? बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा तेज़ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज़ तो आ रही है। यस, देखिए इससे क्या होता है, कितने टाइम तक की क्लास हो सकती है बताइए। ये बच्चे बताए कि 11th क्लास ले, लाइव क्लास, या फिर 10th क्लास ले, बताए। चैट में जल्दी से लिखो, अभी बताओ। 11th क्लास, 11th क्लास, 11th क्लास ले बोल रहे हैं सभी। अच्छा 11th क्लास, ओके। बताइए चैप्टर कौन सा, चैप्टर बताए, इसमें आपके डाउट्स रहेंगे, ठीक है। वही जो क्लास अभी स्टार्ट करते हैं, कैमरा लगाता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, डाउट्स रहेंगे तो उसी को वीडियो लगा करके हाइड करें, ओके बेटा। हाइड चैप्टर से आपने क्या तैयार करना है? तेज बोलो सर, ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि तेज आवाज़ नहीं आ रही मेरी। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ तो आ रही है, चलो देखो माइक है मेरे पास है, आवाज़ आ रही है, अब बताएं। आवाज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या करेंगे आप? जो सबसे पहले तो आइसोटोप देखेंगे भाई, हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप है, और तो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, सर जी प्लीज थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। नवीन कुमार जी कह रहे 10th क्लास के लिए जी, बिल्कुल बिल्कुल 10th क्लास के लिए क्लास ले जाएंगे, लाइव क्लास शाम को लेके आते हैं, अभी के लिए 11th क्लास जो है ये कर लेते हैं भाई। हाइड्रोजन वाला चैप्टर कर लेंगे, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हाइड्रोजन के आइसोटोप देखेंगे आपने, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन देख लेना एक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, फिर उसके बाद जो कुछ हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हैं उनको जो आपने तैयार करना है, जैसे वाटर रहेगा, H2O है, H2O हाइड्रोजन प्रोक्साइड, प्रिपरेशन देखना है, और उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन और रिड्यूसिंग एक्शन दोनों देखने हैं आपने, ये जो आपने तैयार करना है। उसके बाद जो है H2O का जो ओपन बुक जो स्ट्रक्चर है वो भी जो आपने याद करना है, वो भी जो एग्जाम में आ जाता है, डाइहाइड्रल एंगल, जो ये भी आप तैयार करना है। चलो सर जी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? आवाज़ जो डोरीमोन जो कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, अब बताइए क्या आवाज़ आ रही है? आवाज़ का इशू है, इतना अच्छा कैमरा नहीं है, ठीक है चलो मोबाइल से ही जो अच्छा है। अब आवाज़ आ रही है क्या? अब बताइए जल्दी से।